है कि जितनी भी सेलुलर लाइफ है उसके पीछे एक कॉमन एंसेस्टर है। अब ये कॉमन एंसेस्टर कौन है? साइंटिस्ट ने इस पर काफी सर्च किया और हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई, लुका, LUCA। इस टर्म को कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इन्होंने कहा कि जितनी भी इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो जो है उनके पेरेंट्स कौन है? लुका। साइंटिस्ट का कहना है कि हाफ लिविंग था और हाफ नॉन लिविंग था। मीन्स जब ये अर्थ बनी थी बिग बैंग थ्योरी के थ्रू तो उस वक्त सबसे पहले ओशन बने थे और ओशन में टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा था और बहुत हार्श कंडीशंस थी। उस वक्त प्रीमोडियल मॉलिक्यूल्स बने। प्रीमोडियल मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं कि जो लिविंग नहीं थे लेकिन उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जीन ट्रांसफरिंग के लिए। आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ये अमीनो एसिड्स के होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे और डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। तो साइंटिस्ट का ख्याल है ये वायरसेस हैं क्योंकि वायरसेस ही हाफ लिविंग और हाफ नॉन लिविंग। इन्हीं से फिर लास्ट ये लुका। अब कहते हैं इस यहां जो है जो जीन ट्रांसफर का वे था वो था हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। मींस वर्टिकल जीन ट्रांसफर का आपको पता है? वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है कि एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जीन ट्रांसफर होना, फिर ऑफस्प्रिंग से उनके ग्रैंड सन्स में, मींस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जीन का ट्रांसफर। और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है? एक ही जनरेशन में के ऑर्गेनिजम्स का आपस में जीन को ट्रांसफर करना। मींस बैक्टीरिया में दो बैक्टीरियाज में सेक्स प्लाई बनता है और वो अपने जीन को ट्रांसफर करते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की जो काइंड्स ऑफ कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन आपको पता है, यहां लिख देना क्या क्या है? कॉन्जुगेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के थ्रू सेक्स पिलाए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक बैक्टीरिया अपना जो है वो डीएनए को स्प्लिट आउट करके एनवायरनमेंट में फेंकता है, दूसरा बैक्टीरिया जो होता है रेसिपिएंट होता है वो ये पीस ऑफ डीएनए अपने आप अंदर इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। डक्शन इसके लिए उसे क्या चाहिए होता है? प्लाज्मा चाहिए होता है। अच्छा, ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ये बैक्टीरिया है और एक वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले, ये अपने जीन इधर करते हैं। मतलब वायरसेस का जो ट्रांसमिशन का वे था वो क्या है? ट्रांसडक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। कहते हैं कि जितनी भी प्रिमिटिव लाइफ है उसमें जो जीन ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता था, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स बने उसमें आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर जब हमने राइबोसोमल आरएनए, साइंटिस्ट ने राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि आर्किया और यू बैक्टीरिया का जो राइबोसोमल आरएनए है उसमें ज्यादा सिमिलैरिटी है बैक्टीरिया से। ठीक है, और एक और बात, आर्किया की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर्किया की क्या है? इसका जो DN15% जो प्रोटीन है वो यूनिक है, बाकी प्रोटीन स्ट्रक्चर इसका बैक्टीरिया से मिलता है, यूकेरिया से भी मिलता है, राइबोसोमल आरएनए में जब देखा। और दूसरी ये बात कि इसका जो प्राइमेज है उसका सीक्वेंस जो है वायरसेस से मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस आर द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस यूनिवर्स। ओके, इस एग्जांपल में बताते हैं कि जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर